फायर हो रहा है। वो बोन फायर क्या है ना, जो आज आपको मैं दिखाने लगा हूँ, जरा देखिए करके ना, इसको यूज करते हैं ये वाली चीज, और इसके सामने बस इस तरह से माहौल बना होता है विलेज में शादी का, जो है ना असल मजा। इनके बालों को देखें आप, चाहे जितना भी धो लें जो भी कर लें, इनके बाल ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। ये देखें इस तरह के बाल हैं, ये बिल्कुल इसके खुद अपने बाल देखें, मेरे बाल देख लें, ये देख लें आप, ये माथा मेरा चमोले। अबे खाना अबे क्या कर रहे मालूम है ना, ओ ऐलान दिए तो बहुत जमे भाई दे तरीके ने खान हो जी नहीं लगा दे के चीज ये तू कौन जमे भाई दे तू किस तरह ब्याह कराई छड़े हुए ये थोड़ा 2 साल रहने हैं ये थोड़ा ये चमु जोर है संगे तक तक चीज नहीं ये शादी का कोई सीन होता है, कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर टेंट और शमियाने सारा कुछ लगा के सेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है ना खुद ही खाना बताना होता है। ये लाइट चली गई, एक सीन और हो गया, तो अगर लाइट चली गई तो उसके लिए आपको अल्टरनेट जो है ना एक रखना पड़ता है जनरेटर का सिस्टम। तो जनरेटर अभी चलते हैं, उसको पहले ऑन करते हैं, फिर दिखाता हूँ अभी कैसे होता है। ये जनरेटर तो ऑन कर लिए, अब इसके बाद देखें कि ये है जी खाने का मेन जो सिस्टम होता है। यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊँ तो मेरे पीछे ये सारी ये लगाई है, ये देखें। अब यहाँ पे विलेज में सिस्टम ये होता है कि खाना जो है ना खुद बताना पड़ता है, मतलब हर एक बंदे को खुद जाके हम सर्व करते हैं। एक जैसे टेबल लगे हैं, देखिए एक टेबल में अगर देखें वो से 1 2 3 4 5 6 7 8 चेयर लगी हैं। 8 चेयर पर देखें ज़रा लेटे करती हैं जी, गिन लेते हैं जी, देखें ज़रा 2 4 2 6 2 8 तो इस तरह से करके तो यहाँ पर एग्जाम लाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, फिर दूसरे बाकी के जो टेबल हैं, ये बाकी वाला टेबल आप देख सकते हैं इस तरह से, ये आ गए जी, ये खावर साहब हैं जी, ये खाना बताना चाहते हैं। ये अब्दुल बासर साहब हैं, इनका एक निकनेम है केंटा, इनका केंटा नाम भी है, आ रहा है केंटा। और ये उधर से वो इनके बालों को देखें आप, चाहे जितना भी धो लें जो भी कर लें, इनके बाल ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। ये देखें इस तरह के बाल हैं, ये बिल्कुल इसके खुद अपने बाल देखें, मेरे बाल देख लें, ये देख लें आप, ये फोन ये माथा मेरा चमोले चमकता हुआ देखें, ग्लो कर रही है मेरी स्किन, ये आ गया जी। ये टेबल इस तरह से, अब देखें ये नमक वगैरह रखने के लिए, क्योंकि छोटे वाली नहीं थी तो इस पर एग्जाम चला रहे, सुबह तीसरे वाली आ जाएंगी सही वाली तो उस पर कंप्लेंट। ये हमारे साथ नज़ीर साहब हैं जी, ये इस टेबल की इनकी जिम्मेदारी होगी, हर एक बंदा एट टेबल पे रहे, जैसे ये बंदा है इसकी जिम्मेदारी इस टेबल की होगी, ये बासुद कैंटा है उसकी उस टेबल की, ये है खावर है खावर मैन का है उसकी वो उस टेबल की जिम्मेदारी है, तो इस तरह सबकी जिम्मेदारी होगी। और यहाँ पे हम खाना खाएंगे, ये इसको देख सकते हैं अभी इसकी उम्र हुई है मेरे ख्याल में 18 साल, और देखें इसका गंज ऊपर चला गया है, लेकिन बाल तुम्हारे हमारे जैसे ही हैं। और ये देखें जरा बाल, आप मेरे देख सकते हैं अगेन बाल, देखें जरा मैं बल्लू के सामने जाता हूँ आपको बताता हूँ, ये कह रहा है बैल, ये देखें जरा ये बल्लू देखें जी, फुल मेरे मजे के जो है बाल है, इसके देखें जरा मैं करीब से लगाने को, ये देखो ना मेरे चमक रहे हैं, ये देखें जरा कैंटे के बाल, ये देखें जरा जुड़ियों, ये ऐसे नहीं होता वो बकरी की जत जो होती है बिल्कुल तरह की है जी। इसके बाद खाने का बताने का पूरा आपको इंतजाम दिखाऊंगा किस तरह से करते हैं। ये जी लड़के जरा आगे जरा फ्रंट फ्रंट, ये फ्रंट व्यू से अच्छे से आप देख सकते हैं कि विलेज में कैसे होता है। ये खाने की वो वहाँ तक टेबल हैं, ये चेयर लगी हैं, यहाँ खुद हमने सर्व करना होता है। ये एंट्री गेट है, और ये जो है ये एंट्री गेट है, ठीक है। रात का टाइम है, लाइटिंग के ऊपर नहीं नज़र आ रहा, ये टेंट खुद शमियाने हमने लगाने होते हैं, परचेज करके ले आने पड़ते हैं रेंट के ऊपर, और फिर खुद लगा के सेट करते हैं, फिर खाना खुद इस तरह सर्व करते हैं। और अगर कुछ पीछे दिखाऊँ तो ये पूरा ये फिल्टर हमारे यहाँ लोकल जबान में करते हैं, इसमें बेसिकली जो है ना हाथ धोने के लिए यूज, खाना खाने के बाद ये साथ में टॉवल लगा होता है कंबाइन, और बाकी टिश्यू भी बहरहाल पड़े होते हैं साथ में टेबल पे, लेकिन यहाँ पे भी है। और ये साबुन वगैरह भी जो यूज़ करना चाहते हैं, इसकी टूटी होती है नलका होता है पूरा, ज़रा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा दूँ इस तरफ से, अगर आप देखें तो ये आ गया फिल्टे की ये टूटी है, यहाँ पर लाइट बहुत कम पड़ रही है, ये मैं खोल रहा हूँ उसका पानी यहाँ से,
पानी खुल के नीचे आ रहा होता है यहाँ से देखते हैं। बाकी ये टावल आ गया और यहाँ आ गया देखें, ये एक टेबल पड़ा होता है पूरा, इस टेबल के ऊपर ये खान साहब हैं, ये उनका टप पड़ा हुआ है, ये वाला ड्रम है, यहाँ से पानी निकालेंगे, ये ट्रप में फेंकेंगे, यहाँ बर्तन सारे धोएंगे, धो के यहाँ यूज़ होंगे कहने लगे, और वो आगे खाने पाने वाला पूरा सिस्टम है, उसकी तरफ मैं जाता हूँ, एक वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट सी और उसमें दिखा दूंगा आपको। अच्छा मैं ना इस वक्त जो कुकिंग का टोटल जो प्रोसीजर है ना वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मेरे पीछे खड़े हुए पूरे शादी में जो आए हुए लोग हैं ना सारे, तो ये पूछे पूरी पलटन है सारी, तो मैं दिखाऊंगा कि ये खाना जो है ना पकाने के लिए किस तरह से कुकिंग होती है। ये असल में होता ही है ना, पहले पूरी रात के टाइम पे ना पूरा पका के छोड़ दिया जाता है, तो फिर सुबह के टाइम पे बरताने का होता है, क्योंकि नहीं नहीं क्योंकि सालन भी होता है उसमें चावल भी आ जाते हैं, वो सारी चीज़ों के हिसाब से देखना पड़ता है, तो फिर उसके बाद पकता है। तो अभी ये रात के, आपने अक्सर सुना होगा कि सिटीज़ के अंदर जाते हैं ना, हम विलेज से पेंट में जब जाते हैं ना तो वहाँ कहते हैं जी बोन फायर हो रहा है। वो बोन फायर क्या है ना, जो आज आपको मैं दिखाने लगा हूँ, ज़रा देखिएगा। अब ये जैसे कोई हंडी है पक रही है, जैसे ये आपको नीचे चिको नज़र आ रहा है, ये बोटियाँ मतलब है ना, इतनी तगड़ियाँ बोटियाँ हैं, ये बड़ा खाने का दिल कर रहा होता है इस तरह की जो बोटियाँ होती हैं, ये पके ये देखें, ये कारीगर हैं, बड़े तगड़े कारीगर हैं ये देखें, और ये जो है पक रही है बोटियाँ, कुछ पता नहीं क्या क्या मिला के, ये मैं विलेज में शादी की है पूरी ना आपको एक डॉक्यूमेंट्री बना के दिखाना चाह रहा था, उससे रिलेटेड है। अब ये देखें, ये नीचे आग जल रही है, ये ऊपर हम चेयर लगा के ये बैठे हैं, ये मैं हूँ, ये मेरे साथ उमैर अब्बासी है, ये बहुत तगड़ा आदमी है, इस तरह ये वजायद है, और ये मैं हूँ, ये हमने पहुँच ये रखा है। ये देखें, ये जो सिटी में हम कहते हैं बोन फायर हो रही है, ये विलेज के अंदर हर शादी हर ब्याह के अंदर और नॉर्मल लाइफ हम गुजारते हुए जब बोन फायर होती है। अब ये जो आपको वुड नज़र आ रही है ये वाली, ये काट के जो डाली है यहाँ पर, या वो देखें अगर वहाँ पर वो देख सकते हैं, ये वो जो था, ये सुबह पूरा हम लोग क्या कहते हैं छीनी लेते हैं कहते हैं उसको, उसके साथ इसको सल करके इसके सुराख कर करके ना इसको यूज़ करते हैं ये वाली चीज़, और इसके सामने बस इस तरह से माहौल बना होता है विलेज में शादी का, जो है ना असल मज़ा होता है। ये कोई क्या है जी, ये चावलों के लिए पहले जो है ना वो ग्रेवी सी कुछ बन रही है, फिर इसको मिक्स करेंगे इस तरह से। अब ये जो देगे नज़र आ रही है बड़ी बड़ी, आपको मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में कि ये जो देगे होती है बेसिकली ये हम लोग क्या करते हैं हमारे घरों में अपनी होती है ये, या कभी कभी टेंट शमियाने वाले थे उनसे भी मंगवा लेते हैं, और बाकी खाने पीने का सामान सारा हम खुद ले आते हैं जिस घर में शादी होती है बाय करके। अलबत्ता जो बाकी पकाने वाले होते हैं वो बंदे बुला दिए उनको पे कर लिया जाता है, तो इस लिहाज से विलेज की जो शादी होती है ना उसका कसम से बड़ा एक मज़ा आता है। अभी मैं आपको रात को थोड़ी देर बाद केक कटाई की ये रस्म वगैरह होती है उसमें भी थोड़ी सी कुछ वीडियो लिमिट सी बताऊँगा। ये अब्दुल बासित हैं, अब्बासी हैं, ये दूल्हा जो है उसके दोस्त हैं, और इनकी आप हालत देख सकते हैं, अपनी तरफ से क्रीमे शीमे लगा के ये भी बड़ी कोशिश करते हैं, DHA में इनकी शॉप से अपनी, और ऊपर से बाल अभी सही से नज़र नहीं आपको आ रहे, ज़रा खुंगियाले से बाहर हैं इनके, तो कांटेदार किस्म के बाहर रखे हुए हैं इन्होंने ये है। और ये अजहर हैं जिनकी उम्र अभी 9 साल है लेकिन कद इनका इतना लंबा हो गया है कि अब इनके लिए हमने दरवाजे जो है ना चेंज करने का प्लान कर लिया। ये पूरे बर्तन वो रखे होते हैं, अब ये देखें ना इस चीज़ को गौर करेंगे, यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये आगे वो भाई आ गया है, ये देखें ये बर्तन धुला के रखते हैं, ये खान साहब हैं, ये अब उन्हें 3,000 रुपया दिहाड़ी पर गए हुए खाली यहाँ के फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी इनको मैं बर्तन दूसरे देता हूँ कि बर्तन कैसे धोने हैं, तो ये सारा जहन इस तरह से चलता है मेरा। हाँ खाना बनाने का सिस्टम, ये चावल पर ये बको के जो है ना गोश्त को रख लेते हैं तरह से, और ये आगे ना प्याज वगैरह ये सारा कुछ इस तरह से, ये देखे शेवे आ गई हैं, ये विलेज में होता है, यहाँ चावल चावल बिको के रखते हैं गोश्त वगैरह, ये हमें बन रहा है सारा, ये जैसे रोस्ट है पहले से बना के रखा हुआ है, फर्दर इसके ऊपर कोई कारीगरी होगी, और ये हैं कुक, ये नासर भाई हैं, ये मेरे क्लास वालों भी हैं, हम दोनों साथ पढ़ते थे, ये प्याज काटते हैं। मैं बताना चाह रहा था कि खाना जो है ना पकने का सीन क्या है।